जो वर्णन है जहाँ का आगे है, लेकिन जो हिंदी की किताबों में फाइनेंशियल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, वो जो डिटेल में लिखा है आप प्लस ही जोड़ दोगे। फिजिकल वाला मंगवा रहे हैं जीपी रेडी वाली, मतलब तीन प्रकार का मुक्त ही बात किए हैं। स्ट्रक्चरल मतलब उसका हिंदी में होगा संरचना, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम, तो उसका हिंदी होगा संरचना, संघीय व्यवस्था, संरचना अवसंरचना एंड इको, इको सिस्टम मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम, जो इको फेडरलिज्म, इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिक, पारिस्थितिक व्यवस्था, उसमें सब आ गया, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चर, लीगल, रिलीजियस, सब। मतलब ये जो तीन चीज जो बताए हैं एमपी सिंह साहब, उसमें मतलब क्या है इसको, नेचर कहेंगे कि प्रतिरूप कहेंगे, मॉडल क्या कहेंगे, ट्रम्प भी आदमी यदि फेडरलिज्म पर लिखना चाहे या काम करना चाहे, यही बेसिस बना तीन में स्ट्रक्चर क्या है, ये लिखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद लिखेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, तब हम कंक्लूड करेंगे कि इंडिया के फेडरलिज्म कैसे बने। ये अच्छा मैंने वो आधार, इसको क्या कहेंगे, टेमोलॉजी क्या देंगे, क्या तीन चीज, ये संघवाद के क्या है, हम यदि भारतीय संघवाद का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, अच्छा। तो इन तीन हम इसे तीन तत्व चाहे तीन तत्व इसमें मुख्य है, तत्व आ जाएगा, तत्व आ ही जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्ट्रक्चर में एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी का हुआ जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या हुआ, संविधान में जो वर्णित चीजें होती हैं हो जाएगा, राज्यसभा सांसद वंसद सब आ जाएगा इसमें होता है, राज्यसभा और इन इन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा आपको इलेक्शन कमीशन, प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी, पार्टी सिस्टम, सोशल मूवमेंट्स, है ना। लेकिन सर इलेक्शन सिस्टम तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो वर्णित है ना, तो इलेक्शन सिस्टम की बात है, इलेक्शन प्रैक्टिस जो हो रहा है, अच्छा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस में जो इलेक्शन हो रहा है, अच्छा, वो भी प्रभावित करता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, अच्छा। अभी जो इलेक्शन कमीशन सरकार के हाथ में, टीएन से संबंधित, अब जो यूनियन गवर्नमेंट चाहती होता है प्रैक्टिस में, व्यवहार में है, ये व्यवहार का चीज होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जो है व्यवहार है वो हो गया था, और इको वाला में आ गया, सब आ गया, वो तो असल में सब आ गया। तो इस ढंग से कोई यदि करना चाहे, जिस तरह जो है हमको लगता है अमांड जो नहीं दिया था पोलिटिकल पार्टी का, जो नेचर दिया था, स्ट्रक्चर ये करना, ऑटोनॉमी बताया था, फिर उसके बाद जो बताया था जिसमें होता है सरकारी गैर सरकारी या ऑटोनॉमी बताया था, सरकारी संस्था बताया था, नहीं कल्चर का नहीं बताया था सर, पोलिटिकल पार्टीज का जो बताया था, नहीं दबाव समूह का तीन ठो बताया था, संस्थातिक संस्थानक एंड इंस्टीट्यूशनल होता, एक तो ऑटोनॉमी है कि इसे बम बारूद से बला करने जो बताया था, एनोमी का बताया था, एक इंस्टीट्यूशनल है, गैर संस्थानिक संस्था जो है, स्ट्रक्चर जो अब दबाव समूह का जो है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, हाँ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के बाद जो हो गया फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो संविधान कानून के तौर पर बनाया गया, इनफॉर्मल हो गया कि जो कानून संविधान के अंतर्गत नहीं है, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, मीडिया है, ये सब क्या है, ये कानून थोड़े बनाए, इसको पोलिटिकल पार्टी के कानून से तो नहीं बना, कहीं संविधान में नहीं था जो पार्टी है, तो ये जो है इनफॉर्मल है, एनोमिक असैसिनेशन है, हत्या है, वायलेंस है, ये सब एनोमिक, मतलब मीडिया है। तो सर ये जो है एमपी सिंह तीन तत्व जो है संघवाद को समझने के, ऐसे ही कहेंगे संघवाद को समझने के तीन तत्व उन्होंने बताया, तत्व कहे चाहे पैटर्न देना जरूरी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका तीन चीज़ पे आप भारतीय संघवाद का विश्लेषण आप कर सकते हैं, किताब पढ़ के मैं ये हुआ था, इसको हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी करना पड़ेगा, कुछ संक्षिप्त का एक पेज वगैरह, वही हमको एक बात लगी